सो हेलो गाइस, तो यार मैं हूँ पुनीत और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड ज्ञान पे। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और आज के वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो आपको दिखाने वाला हूँ गाइस, उसका टुकड़ा भी आप लोगों को कोई यूट्यूबर नहीं दिखाता होगा। गाइस, यूट्यूबर को मैंने देखा है आजकल यूट्यूब पे बहुत ही तेज़ी से, मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स पावर बैंक जैसे ऐप्स को या पावर बैंक को बहुत ही अच्छे खासे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। वे लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि पावर बैंक ऐप बिल्कुल सेफ है, आप इसके अफवाहों को ना सुने कि पावर बैंक ऐप भाग जाएगा, इसमें इन्वेस्ट करें, बहुत ही अच्छा खासा ऐप है, मैंने बहुत सुना है। और वे क्या बोलते हैं, उनकी कौन सी बात आप क्या बोलते हैं और आप समझ भी लेते हैं, मुझको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने उनसे एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि ये ऐप्स आपको पैसा देते कहाँ से हैं। अब देते कहाँ से हैं ये क्वेश्चन आपने नहीं किया, और इसके आगे भविष्य इसका क्या होगा, कितना बड़ा स्कैम होने वाला है आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है गाइस, मैं आज के वीडियो में जो आपको बताऊंगा, क्या आप उसे नहीं समझ पाते हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और आपको क्या क्या पता चलेगा। गाइस, आपको ये पता चलेगा कि पावर बैंक ऐप की पूरी रियलिटी क्या है। गाइस, हालांकि मैंने 1.5-2 महीने पहले वीडियो बना चुकी पूरी रियलिटी पे, लेकिन नए लोग भी अगर कुछ आए होंगे तो उसमें भी कवर करूँगा पूरी रियलिटी क्या है, क्या पावर बैंक ऐप कब भागने वाला है, कब भाग सकता है और क्या इस समय भागने वाला है। और एक चीज़, मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पावर यू पावर जो बैंक है जो लॉन्च हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि इसी का है नया अपडेट है, तो इसका इनसे क्या रिलेशन है, क्या दोनों की क्या चीज़ें हैं, दोनों की आईपी एड्रेस लोकेशन कहाँ का ऐप है, कब लॉन्च हुआ था, कब से वर्क कर रहा है, कितने आईपी एड्रेसेस हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, कितने कंट्रीज़ में है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पावर बैंक ऐप की आप प्ले स्टोर पर 500K से ज़्यादा डाउनलोड्स देख पा रहे हैं, इससे आप बहुत खुश हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आपको बोल रहे हैं कि अच्छा ऐप है, आप मान भी ले रहे हो, लेकिन आप अपने दिमाग का यूज़ करना है। इस वीडियो में आपको मेरे को, मैं जो रियलिटी है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आपका एक भी पैसा कहीं पे खर्च नहीं होने वाला है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कोई ऐप रियल है या फेक है, कैसे आपको पता लगाना है। तो गाइस, जैसा कि मैं पिछले 2 महीने से ऐसे वीडियोस अपलोड करते आ रहा हूँ, फ्रॉड ऐप्स को एक्सपोज करते आ रहा हूँ, अगर चैनल पे हमारे विजिट करते रहे हैं आप तो आपको पता ही होगा, आप लोगों को मैंने बताते आ रहा हूँ, मैं बताते आ रहा हूँ कि देखो भैया, कोई ऐप रियल ऐप फेक है कैसे पता लगा सकते हैं, उसमें से कई लोग को जानकारी भी हो चुकी है, उसके URL का डिटेल कैसे निकाल सकते हैं कई लोगों को जानकारी भी हो चुकी है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए गाइस, तो टेंशन मत लेना, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँच पाए और आपका नुकसान होने से बच जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 600 रुपये अर्निंग की है, ये देख के सोचेंगे कि हम, मैंने भी रेफ़र किया था। तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं, किसी अपने से, मेरे को पता ही नहीं चला, अपने से एक बंदा जुड़ गया, 4000 का रिचार्ज भी कर लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 3900 रुपये का रिचार्ज कर लिया, 3 बंदे हैं, उसके बाद यहाँ पे 00। तो ये दो महीने पहले का ही ऐसे ही है। ठीक है, टेंशन मत लेना इसकी कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ इससे, ये कर रहा हूँ। गाइज, अगर मैं अर्निंग करने लगूँ तो मेरे वजह से जितने लोग जुड़ेंगे मैं तो अर्निंग कर लूँगा, मेरे तो व्यूज़ आते हैं, मेरे 24K व्यूज़ गए हैं उस वाले 2 महीने पहले वाले यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो उसमें मैंने क्या बताया। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 24K व्यूज़ गए हैं, पावर बैंक ऐप रियल और फेक, मूर्ख ना बने, यही सब करके मैंने बताया था। अब गाइज आते हैं काम के बात पे, कम्युनिटी पोस्ट पे जाते हैं। मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि आपका पावर बैंक ऐप में जो कि पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे हाँ, सही सुना आपने, पेमेंट नहीं दे रही है, इसमें 75% ओट है, 25% ओट है, नहीं अभी पेमेंट दे रही है। तो इससे पता चलता है कि इस 25% में 50% फेक भी हो सकते हैं, मान लो नहीं भी फेक हैं तो मान लो 25% लोगों का पेमेंट नहीं दे रही है, 800 बोर्ड्स हैं, 5 दिन पहले का पोस्ट है। ठीक है, आप लोगों ने ही बताया कि अभी पेमेंट दे रही है, तो मेरे को कई जगह से पता चला कि बहुत सारे लोगों का पेमेंट पेंडिंग में है, बहुत सारे लोगों का पेमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो गाइज मैं आपको कहाँ पे ले चलता हूँ, इसके रियल वाले जो पावर बैंक है या जिसे बोल सकते हैं पहले वाला पावर बैंक बोल सकते हैं, इसको, इसके इनवाइट लिंक को या इसके URL को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कहाँ से कॉपी करना है आपको पता है, इनवाइट लिंक पे जाकर के कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद हमको कहाँ पर जाना है, MIDUK पे जाना है गाइज, ये बहुत ही मेन चीज़ है गाइज, कहाँ का ऐप है, इसका क्या, कब से लॉन्च हुआ था, ये सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर ये सब नहीं जानने के चक्कर में आप फंस जाते हैं, उसके प्लान को नहीं समझ पाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताते आ रहा हूँ गाइज, और आज के इस वीडियो में भी बताऊँगा। तो यहाँ से इसको इतना कट कर लेना है गाइज, जो मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं, MIDO के जाकर के गूगल पर सर्च कर लेना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वहाँ पर जाकर के पेस्ट कर लेना, $1 आ जाएगा आपका। अभी तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 2 IPs in 1 country, यहाँ पे लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट, $1, सब सब कुछ पढ़ पा रहे होंगे इसका URL। अब कब लॉन्च हुआ था, 31 डोमेन क्रिएटेड, मतलब ये डोमेन क्रिएट हुआ था 31 दिसंबर 2020 में क्रिएट किया गया था। इसके 2 IP addresses हैं, और मेन आई पी एड्रेस क्या है यहाँ पे, पहला वाला मेन आई पी एड्रेस है यहाँ पे, आप लोग पहला जो आई पी एड्रेस देख रहे हैं वो मेन आई पी एड्रेस यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप लोगों ने देखा यूनाइटेड स्टेट का है, और दिसंबर में लॉन्च हुआ था, ये सब अब कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद जो मैं आपको और दिखा, ये जो दूसरा यू पावर करके है उसका हम लोग देखते हैं कब लॉन्च हुआ था, क्या आईपी एड्रेस सेम है या लोकेशन सेम है, अगर कंट्री सेम हुआ तो हो सकता है किसका हो, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। इसका भी लिंक हम लोग वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है गाइज, वही काम हम लोग को दोहराना है और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कट करना है, यहाँ पे डॉट इन तक, यहाँ पे ऐसे जाना है गैस, जो चल रहा है ना गैस, आपको शायद उसकी थोड़ी सी भनक भी नहीं होगी जो चल रहा है। यहाँ पे 1 IP 1 country, यहाँ पे सिंगापुर का लोकेटेड ऐप है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सिंगापुर का, यहाँ पे इसका डोमेन क्रिएटेड दिखा रहा है, 3 मार्च 2021 को डोमेन क्रिएट किया गया था, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिंगापुर का ऐप दिखाई दे रहा है। अब सोचिए कि जो लोग बोल रहे हैं कि उसका न्यू अपडेट है, सेम टू सेम उसका एकदम सेम टू सेम आप लोग को मैं दिखाना भी चाहूँगा। देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, एकदम सेम टू सेम रियल वाले पावर बैंक, जो पहले वाला पावर बैंक था उसी की तरह है। मैं इसको लॉगिन करूँगा, उसी की तरह एकदम ओपन होगा, आप लोग अगर खोले होंगे तो आपको पता चलेगा, मैं समय आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, अब ये तो आप लोग देख पाए, अब इन दोनों जो बोल रहे हैं कि लोग सेम है, वो सेम तो नहीं है। यहाँ पे सिंगापुर का ऐप दिखाई दे रहा है आपको, और ऊपर एक जो पहले वाला पावर बैंक था वो लोग बोल रहे थे, एक शेयर पावर आया था, वे लोग उसको बोल रहे थे कि नहीं भैया वो उसका कॉपी किए हैं, उसको बदनाम करने के लिए ऐसे कॉपी किए हैं, लेकिन उसका तो सब कुछ सेम दिखाई दे रहा था रियल वाले पावर बैंक की तरह। दोनों आईपी एड्रेसेस भी सेम दिखाई दे रहे थे, प्लेस भी दिखाई सेम दे रहे थे, और दो आईपी एड्रेस उसके भी थे सेम, आईपी एड्रेस मेन होता है, आईपी एड्रेस दोनों का सेम था, और गाइस फंक्शन भी दोनों का सेम ही है, और बस थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है, लेकिन वो शेयर पावर भी अभी पेमेंट दे रही है। देखो मैं इसका भी लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका भी लिंक आपको दूंगा, और रियल वाले शेयर पावर बैंक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब आप अपने दिमाग से उसे ज्वाइन करने के लिए सोचना, या तो उसको जाकर के उसके बारे में डिटेल निकालने के लिए सोचना, लेकिन अभी वीडियो समाप्त नहीं हुई, अभी पूरा देखने के बाद ही कुछ सोचना आप लोग। देखो क्या होता है कि ऐसे ऐप हैं गाइस जो आपका ही पैसा आपको देते रहते हैं, और गाइस रियलिटी तो ये है कि इनको भागना है, कोई भी यूट्यूबर कोई कुछ भी कहे, आप लोग अपने दिमाग से सोचना आपको पैसा कोई कब तक आपको दे सकता है। अगर मान लो ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसके इन ऐप्स के हिस्ट्री के बारे में तो जान सकते हैं आप लोग, ऐसे ऐप्स का क्या होता है या ऐसी कंपनीज का क्या होता है उसको तो जान सकते हैं आप लोग। सेम टू सेम ऐसे ही 1 साल के लिए वैलिड सर्टिफिकेटेड ऐप, यूनाइटेड स्टेट का ऐप विश ऐप था, और गाइस विश ऐप 2-3 महीने में भाग गया, और गाइस लाखों का नुकसान करके लोगों को भागा है, और ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 महीने पहले की बात है। अब गाइस हाल फिलहाल की अगर बात करूँ तो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर 5-10 ऐप के लगभग पूरे तरीके से भाग चुके हैं, जो कि पॉपुलर थे उनका नाम बता रहा हूँ, और दो जो थे तो हैं ही, और गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 500 से भी ज़्यादा ऑर्डर ग्रैबिंग ऐप्स लॉन्च हुए हैं, जो कि सेम प्लान पे काम करते हैं, आपका पैसा लगाना है, आपको पैसा देना है, आपसे जब ज़्यादा कलेक्ट कर लेना है तब भाग जाना है। अब ये 500 के इसके क्यों हो गए, 500 के अभी तक रुका हुआ क्यों है, और इस पर आपका भरोसा बढ़ता क्यों जा रहा है, कितना लूट मचाएगी गाइस, जो ज़्यादा मार्केट में रुकेगी उस पर आपका ज़्यादा भरोसा आएगा, आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। अब मैं आपको जो मेन बात आप सुनने वाले हैं कि कब भाग सकती है, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ ऐसे ऐप्स कब भागते हैं। देखो पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, अब आप डेट सुनना चाहोगे तो डेट देखो किसी को भी नहीं पता है, ऐप वाले के अलावा इसका डेट किसी को भी नहीं पता है, लेकिन आप अपने दिमाग का यूज़ करोगे तो आपको पता चल सकता है। हालांकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया था गोल्ड में सेटेज और ब्लैक स्टोन ऐप के और UBS ऐप के भागने के बारे में, तो वो तो भाग चुकी थी। ठीक है, वैसे ही मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से पूरे एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐप्स जब न्यू अपडेट्स लाते हैं, नए नए रूल्स लाते हैं,
रूल्स में चेंजेस करते हैं, VIPs में चेंजेस करते हैं, या आपका पेमेंट पेंडिंग में डालने लगते हैं, कस्टमर सर्विस वाला रिप्लाई नहीं देता है, ऐसे ऐसे क्लू हैं जब आपके एक ऐप भागते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ऐसे ऐप्स का जब 3-4 महीने हो जाते हैं तब अक्सर ये ऐप भागते हैं, और 3-4 महीने में इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैल चुका है। 500K का मतलब आप समझ भी पा रहे होंगे, 5 लाख लोग। तो 5 लाख लोगों में गाइस कुछ लोग तो हजारों हजारों रुपए कमा रहे हैं, आपको पता होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ लोग जो लाखों लाखों हजारों हजारों रुपए लगा के बैठे हैं उनका क्या होगा जब भागेगी। तो भागेगी तो कन्फर्म है, कुछ लोगों को पता भी होगा कि भागेगी। पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, तो गाइस क्या करना है आपको, आपको अपना जितना पैसा लगाए हैं आप लोग इसमें से विड्रॉल कर लो, अगर विड्रॉल दे रहा है तो ठीक। यू पावर बैंक आप लोग उसका भाई समझ रहे हैं तो उसका भाई नहीं है, अब भाई है कि क्या है, इतना झोल मेल चल रहा है, कहीं एक ही लोग या एक ही समुदाय इन सारे ऐप्स को कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं, क्या है ना, मेरे को पता है ना किसी को पता है, अभी पता तो चलेगा ही एक ना एक दिन। और इस पर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, इतना बड़ा लोगों का नुकसान हो रहा है। एक ऐप 50 से 100 करोड़ लेकर के भाग रही है, कम से कम 50 करोड़ तो लेकर भाग ही रही है, आप लोग समझ सकते हैं। लाखों लाखों लोगों को जुड़वाते हैं और उनका लाखों हजारों लेकर भाग जाते हैं, 5% लोगों को फायदा होता है, 95% लोगों का नुकसान होता है, रेशियो में आपको बताता आ रहा हूँ। यहाँ पे गाइस आप लोग को ध्यान देना है, ये वाला पावर बैंक यू पावर बैंक है, इसका भी सेम नहीं है लेकिन पूरा प्रोसेस उसका सेम है, न्यू लॉन्च हुआ है, हो सकता है चल सकता है। और गाइस इसका लिंक मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो न्यू ऐप है उसका भी लिंक दे देना, और इसलिए भी दिया है कि आप लोग इसके बारे में जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आपने इसके बारे में नहीं पता किया है, ठीक है। ज्वाइन करना है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपकी मर्जी हो, आपका बहुत मन हो ऐसे ऐप्स को करने का या ऐसे ऐप्स में रिस्क लेने का, नए ऐप्स में थोड़ा सा पैसा लगा करके दिमाग लगा कर अर्न करने का, तो जा करके कर सकते हैं। एक पहला वाला इसका लिंक दूंगा, दूसरा वाला इसका रहेगा, तीसरा वाला शेयर पावर का रहेगा। शेयर पावर भी ज़्यादा दिन नहीं हुए है इस रियल वाले पावर बैंक के, कुछ दिन बाद है, वो शेयर पावर भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उसके 10K+ डाउनलोड हैं, साथ में वो अभी पेमेंट दे रही है, और साथ में इसके बाद लॉन्च हुआ था सेम टू सेम यही इसी का आईपी एड्रेस, मैंने सब कुछ इसका आपको बताया है, और उसका जाकर आप पिछली वीडियो में देख भी सकते हैं अगर आप 2 महीने पहले वाला वीडियो देख लो। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, और गाइज जो मैंने आपको बताया है उसको पूरे ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग से काम करना है कि कोई आपको एक पैसा भी फ्री में नहीं देने वाला है, तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई यूट्यूबर कितना भी बोले, कितना भी पेमेंट प्रूफ दिखाए, आपको अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो कोई आपको नहीं बहका सकता, ठीक है, आपको नहीं बहका सकता। अपने दिमाग से दिमाग लगा करके चाहो तो अर्न करो, या तो अपने वैल्यूएबल टाइम और मनी को कहीं अच्छे जगह पे लगाओ, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो चुकी हो, तो गाइस मेरे वीडियो में लास्ट तक बने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और चीज़ मेरे से छूट गया हो तो बताना, क्योंकि लंबा वीडियो है, एक ही शॉट में भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ।